हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। ये देखिए, आज हमारे साथ ये भोलू हैं और ये भालू हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत जो हैं ये दुम्बे हैं, और इन्होंने फजल भाई ने इनको बचपन से जो है वो पाला है, और ये बड़े हेल्थी किस्म के दुम्बे हैं। आइए जानते हैं फजल भाई से कि फजल भाई ऐसा इनको क्या खिलाते हैं। वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक, और आज हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के इलाके 3 नंबर हनफिया मस्जिद के पास, जहां पर हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे भोलू और भालू से। ये भोलू और भालू जो हैं ये दो जो हैं दुम्बे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की जो है आमद जो है अब वो करीब है, और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए जो है बहुत से लोग जो हैं वो अपने शौक़ जो है वो इस तरीके के रखते हैं कि वो जानवरों को बचपन से लेकर उनको घर में लेकर पालते हैं, और बड़े शौक़ से जो है उनकी बड़ी अच्छी जो है वो डाइटिंग करवाते हैं, उनको पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, और उसके बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं और अल्लाह की राह में जो है उसे कुर्बान करते हैं। तो आज इसी तवस्सुत से हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी में, और हमारे साथ जो है वो बहुत ही अच्छे भाई मौजूद हैं जो पेशे से जो हैं वो बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, लेकिन बचपन से इनका शौक़ है। फजल बेग इनका नाम है, और ये यहाँ पर जो है मतलब के बचपन से इनका शौक़ है। ये हमेशा ईद उल अज़हा से पहले जो है वो जानवर को ख़रीदते हैं बिल्कुल नोमरी से, जो न्यू बॉर्न जिसको बोलते हैं जानवर ख़रीद कर, और उसको जो है वो घर में अपने पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। आपको अपने अगले हम क्लिप के अंदर दिखाएंगे। कीप वॉचिंग जे न्यूज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। ये देखिए, आज हमारे साथ ये भोलू हैं और ये भालू हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत जो हैं ये दुम्बे हैं, और इन्होंने फजल भाई ने इनको बचपन से जो है वो पाला है, और ये बड़े हेल्थी किस्म के दुम्बे हैं। आइए जानते हैं फजल भाई से कि फजल भाई ऐसा इनको क्या खिलाते हैं। माशाल्लाह फजल भाई, बड़े नहायत ही खूबसूरत आपने दुम्बे पाले, कैसे हैं आप? अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है, और मेरे को बचपन से ही शौक है जानवर पालने का, और माशाल्लाह ये बच्चे भी, बच्चे लेके आया था मैं, ये दूध पीते बच्चे थे, इनको मैंने खिलाया पिलाया, नहलाता हूँ अच्छे से, अच्छा खिलाता हूँ उनको, बड़ी टाइम से इनके दाना पानी होता है इनका, इनको मैंने पूरी सर्दियों में जो है वो उसको घी दिया है, पूरी सर्दियाँ इनकी घी में गुजारी मैंने, उनको टाइम पर प्रॉपर तरीके से दाना दिया इनको मैंने, और ये माशाल्लाह जो सर्दियों का खिलाया हुआ होता है वो गर्मियों में ही लगता है, गर्मियों का नहीं लगता है, सर्दियों का लगता है, जो खिलाया है आपने वो सर्दियों में रिजल्ट, गर्मियों में रिजल्ट आता है इसका। ये मैंने सब बहुत दिल से पाले हैं, ये मैंने अपनी कुर्बानी के लिए 2022 की, और मुझे बहुत जुनूनी शौक़ है, ये मैंने पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है, ये पूरा मेरा सेटअप है इन बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे लेके आया था मैं, घर के बच्चे भी खेलते थे इनसे, अब खैर बच्चे तो नहीं आते, बड़े हो गए, ये डरते हैं बच्चे इनके आगे आते हुए, इनको मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से पाला है इनको मैंने। फजल भाई, आप इसके अलावा मतलब इनको और क्या ऐसी हेल्थी जो है गिजा खिलाते हैं? इनके वनडे में जो है मैं इनको देता हूँ गंदुम, जौ, दलिया, चने की अट्टी और सोयाबीन का छिलका मैं इनको देता हूँ प्रॉपर तरीके से, और टाइम के मुताबिक सुबह का इनका चारा होता है 10 बजे का, और दोपहर में फिर 1-1.5 बजे के टाइम इनको पानी पिलाया जाता है, पानी पिलाने के बाद जो है इनको फिर जो है हरा चारा दिया जाता है, इनको हरा चारा देने के बाद इनको भी वफा हो जाता है, फिर रात में इनको ठीक 9 बजे जो है इनका दाना पानी शुरू होता है। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ही एक अच्छा जो है इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, और बड़े प्यार से आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वो दुम्बों को पाला है। और मैं फजल भाई जानना चाहूँगा कि ये जो भालू है इसका कितना वेट होगा? इसका तकरीबन 40+ वेट है इनका दोनों का, ये थोड़ा ऊपर होगा, ये 40-45 दोनों हैं ये। माशाल्लाह बहुत ही वजनी मतलब इनकी मतलब वेट है, और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना मतलब माशाल्लाह प्यारा जानवर है,
और ये वाला आप देखें वाइट कलर के अंदर जो है ये बहुत ही अच्छे घर का पलावा जो है दुम्बा। और जब ये ईद उल अज़हा के ऊपर कुर्बान होंगे उसके बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के बाद जो है उसके बाद इसका जो गोश्त है वो भी बहुत लुत्फानंदोज़ होंगे लोग उससे और बहुत ही लजीज होगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये घर के पले हुए जानवर है। और एक बड़ा लगाव होता है लोगों को जानवरों के साथ जब वो उन्हें घर में पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपने हाथों से खिलाते पिलाते, तो कुर्बानी के वक्त भी बड़ा एक अजीब सा समा होता है, बड़ा एक अजीब सा दुख होता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दुख तो होता है लेकिन मैंने आज तक अपने जानवर की छुरी सल्ला नहीं फेरा, मतलब ना मैं छुरी मुझसे फेरी नहीं जाती, मैं चले जाता हूँ साइड से। वेलकम बैक व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फजल भाई के बड़े भाई मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे भी कुछ सवाल करते हैं क्या एक्टिविटी करते हैं इन जानवरों के साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर बेग है और मैं फजल का जो है वो बड़ा भाई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनको बचपन से ही शौक है ये जानवर पालने का, बड़ी इसकी कफालत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ये अपने आप को जो है ना नहीं देखते हैं और बस जिस तरह कहते हैं ना कि जानवर के साथ जानवर बनना पड़ता है, जब जाके वो मेहनत रंग लाती है तो वो सब आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फजल भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब ये जैसे कि इनका आपको मैं बताता चलूँ व्यूअर कि ये इनकी घर की छत है और ये छत पे जो है इन बच्चों की तरह इन जानवरों को अपने घर में पालते हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि आप कौन से दिन पे कुर्बानी करते हैं? हम पहले दिन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पहले दिन करते हैं? तीसरे दिन करते हैं। जुम्बा जो है तीसरे दिन करते हैं और जो बड़ा जानवर होता है हम पहले दिन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं कि इन जानवरों को आप खुद ज़बह करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हम लोग खुद ज़बह करते हैं। बिल्कुल, हम लोग आपस में ही करते हैं। तो बच्चों की क्या एक्टिविटी होती है अभी, जैसा आप जानते हैं कि छुट्टियां हैं स्कूल्स के हवाले से, तो बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? बच्चे ये बच्चों का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, ये अपने चाचा के साथ मामू के साथ मिलके जो है ये एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई सफाई वफाई करना, यहाँ की जानवरों की जो इनको नहलाना उसमें ये सर फहरिस्त होते हैं बच्चे, इनका दाना पानी करना वक्त पर, इनको पानी पिलाना, तो ये भी सुन्नत इब्राहिमी का एक उसमें एक अहम रोल है बच्चों का, तो उसमें ये भी जो है अपनी मेहनत से जो है इसको। चले आए आपको आज बच्चों से सुनवाते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बताओ बताओ। वानिया। वानिया वानिया बेटा क्या करते हो आप, खेलते हो इनके साथ? वानिया तो हंस रही है, वानिया क्या कहोगे आप? आपको भोलू पसंद है या भालू पसंद है दादा? भालू। अच्छा भालू पसंद है, और आपका क्या नाम है? अभिया। अभिया आपको कौन सा वाला पसंद है? बोलू। बोलू ज्यादा पसंद है, क्या बात है भाई। आए जी आज हमारे साथ एक और छोटे नन्हे से हमारे साथ दोस्त खड़े हुए, आपका क्या नाम है? इबाद। मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद। मोहम्मद इबाद। इबाद आप क्या करते हो सारा दिन, इनके साथ खेलते हो आके? हाँ। और आप इनको पानी भी पिलाते हो, फिर क्या करते हो? पानी भी पिलाते हैं, दाना करते हैं। जी जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और यहाँ पर जो है कौम के नौजवान मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एयान। एयान भाई ये बताओ कि आप क्या एक्टिविटी करते हो इनके साथ? मैं इनको टाइम पे चारा देता हूँ और टाइम पे पानी पिलाता हूँ और टाइम पे इनको मैं नहलाता हूँ और पानी पिलाता हूँ। तो इनके साथ आप कोई खेल कूद भी करते हो, घुमाते फिराते हो? जी मैंने इनको अपने छोटे भाई की तरह पाला है, जैसे छोटे बहन भाई होते मैं भी इनको वैसी तरह की तरह मैंने पाले इनको। बिल्कुल व्यूअर्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि बच्चे भी जो हैं इनके साथ बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खेलते हैं, इनको घुमाते फिराते हैं और बड़ी एक एक्टिविटी होती है, बचपन के बड़े शौक होते हैं, बड़ी यादें होती हैं और लोग जो हैं बड़ा प्यार करते हैं, फिर बाद में जब ईद कुर्बान के बाद इनको मिस भी किया जाता है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को जो है वो पूरा करने के लिए जो है इनको कुर्बान कर दिया जाता है। कीप वॉचिंग जे न्यूज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, एयान भाई ये बताएं कि आप जो है इनको पालते हैं, इनको घुमाते फिराते हैं, तो आजकल जैसा कि आप ज़्यादा टाइम मोबाइल यूजिंग में लगाते हैं या जानवरों की देखभाल में? मैं जानवरों की देखभाल में बहुत एनी टाइम मैं लगा रहता हूँ जानवर की देखभाल के अंदर। तो आप इनको बाहर लेके जाते हैं, रनिंग वगैरह भी करवाते हैं? जी। ये एक बहुत हेल्थी एक्टिविटी है कि बच्चे जो हैं वो आजकल ज़्यादातर मोबाइल्स और गेम्स के अंदर उलझे रहते हैं, लेकिन ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है कि जानवरों को पालना, उनको रनिंग करवाना, उनके साथ ये कि बच्चों की भी एक्सरसाइज होती है, रनिंग होती है, सेहत अच्छी रहती है। तो मैं चाहूँगा देखने वाले नाज़रीन से कि वो इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ को अपने बच्चों के लिए अपने घर में ज़रूर अपनाएँ ताकि बच्चों का भी रुझान बढ़ता है और मोबाइल एक्टिविटी से बाहर आकर वो इस तरह के सेहत बख्श कामों के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करें। तो व्यूअर्स मैं चाहूंगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स और मैं जरूर बताइएगा।
कीप वॉचिंग जे जे न्यूज़। मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। खुदा हाफिज़।